ये देखिए, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल से भरपूर सर्दियों का सबसे टेस्टी ऐसा बर्फी पाक, जिसके आगे आपके तिल, गुड़, चिक्की, गजक सब भूल जाएंगे। सर्दियों का मौसम मतलब सेहत का मौसम। ये सब चीज़ें हम सर्दियों में ही खाते हैं ताकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। हमें सर्दी भी में सर्दी खांसी जो प्रॉब्लम होती है वो इससे कम हो जाती है। जय जिनेन, मैं अंकिता जैन अंकिता की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ये वाली जो कटोरी है, उससे 3 कटोरी भर के मैंने लिए हैं मखाने। में बहुत सारा कैल्शियम फाइबर होता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। मैंने जो 3 कटोरी मखाने लिए हैं, ये पूरे साबुत थे, मतलब जो मार्केट में जैसे मखाने आते हैं वैसे ही थे, पर मैंने इसको 2 पीस में कट कर लिया है। कभी कभी इसके अंदर है ना मकड़ी का जाला या छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और हम ऐसे ही डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे खाने में चले जाते हैं, इसलिए मैंने उसके 2 पीस कर लिए थे। अब मैंने 1 कटोरी भर के फल्ली दाना लिया है और उसी कटोरी से आधी कटोरी तिल ली है। तिल मतलब जो सर्दियों की सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि हमें बहुत खाना चाहिए सर्दियों में। अब सबसे पहले हम लेंगे एक पेन, उसमें डालेंगे मखाने को। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ये हमें 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम इसको रोस्ट करने में, ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। हाँ फ्रेंड, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है तो लाइक करिए, अच्छी लगे तो, और नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो बनाया है वो आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमारे फ्रेंड्स मखाने तो सीख गए थे, अब मैं मूँगफली को मतलब पीनट्स को, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इसको फल्ली बोला जाता है, तो इसको रोस्ट करेंगे। इसको भी हम 5 मिनट रोस्ट करेंगे, इसमें से छिलका निकलने लग जाएगा। उतनी देर तक हम इसे रोस्ट करेंगे तो ये सिक जाएगी प्रॉपरली। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से क्रैक्स आने लग गए हैं, का मतलब बस ये होने ही वाली है। आपको पता है मूंगफली में बहुत सारा प्रोटीन होता है और इसमें ऑयल भी बहुत होता है, लेकिन ये ठंड में हमें शरीर को बहुत गर्मी प्रदान करता है, इसलिए हमें इसे सर्दियों में तो खाना ही चाहिए। लोग इसकी गुड़ की चिक्की भी खाते हैं। ये फ्रेंड्स, ये मेरा फली। अब हम तिल को सेकेंगे, तिल को भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसका थोड़ा सा फूल जाएगी और इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, और ये 2-3 मिनट में सिक जाएगी। सर्दियों का सीज़न मतलब तिल का सीज़न है। तिल की गजक, तिल पट्टी तो हम बहुत खाते हैं। इस तरीके की मिठाई बना के, बर्फी पाक बना के आज हम पहली बार बना रहे हैं, खाएंगे। जो तिल की पट्टी वगैरह होती है वो थोड़ी कड़क होती है, तो जिनके दांतों में तकलीफ़ होती है, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो तिल का आनंद नहीं ले पाते, पर ये वाली बर्फी पाक से वो तिल का आनंद भी आराम से ले पाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है, जब बनेगा तो आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कितना टेस्टी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा तीनों चीज़ अच्छे से सिक गई है, और सिकने के बाद इनका ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको एक मिक्सिंग जार में डालूंगी और अच्छे से इसको पीसेंगे। अच्छे से पीसने का मतलब है पल्स मोड पे चालू करेंगे मिक्सर को, और थोड़ा दरदरा पाउडर बनाएंगे ताकि इसके हल्के हल्के से क्रम्स हमारे मुंह में आए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लें। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या आप देख सकते हैं कि इसके क्रम्स दिख रहे हैं। इसको बस हमने इतना ही पीना है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ना 2 बड़े चम्मच भर के घी, शुद्ध देसी घी डालेंगे। ये घी गर्म हो जाएगा, और जिस कटोरी से हमने मूंगफली मखाना लिया था उसी कटोरी को भर के हम गुड़ लेंगे। ये 2 कटोरी गुड़ लेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा कर लिया था। देसी गुड़ है जो मतलब इसमें खारापन नहीं होता, इसमें मिठास होती है। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। बस इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि गुड़ अच्छा सा पिघल जाए, और हमें कोई इसको थिक नहीं करना है।
बस इसको हम अच्छे से उबाल आने तक पकाना है, जब तक गुड़ घुलेगा और उसके बाद जब एक उबाल आएगी उतनी देर तक हमें गुड़ को पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ घुलने लग गया है और इसमें जो थोड़ा सा घी डाला है ना, तो उससे थोड़ी चिकनाहट रहेगी, तो वो एक अलग घी का जो फ्लेवर होता है वो भी आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गुड़ अच्छे से घुल चुका है। बस अभी इसमें एक उबाल आएगी और हम इसके अंदर फिर सारा मिश्रण डालेंगे। ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से घुल चुका है और ये इसमें एक उबाल आ गई है। अब मैं इसमें जो हमने पीसा था वो सारा मिक्सर डाल देंगे और हम एक मिनट को पहले गैस बंद कर देंगे ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम गैस को चालू कर देंगे। और ये मैंने इसमें एक टेबल टीस्पून इलायची डाली है पिसी हुई। इलायची से खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। अब मैंने गैस चालू कर दिया है। अभी देखिए इसको बस जब तक मिक्स करना है जब तक ये कढ़ाई में चिपके ना। ये जब इकट्ठा होने लग जाएगा उतनी देर तक हम बस इसको और पकाएंगे। ये इसके लिए हमें सिर्फ एक मिनट और लगेगा। ये देखिए अब अच्छे से मिक्स होने लग गया है। आप देख सकते हैं कि ये अपनी कढ़ाई में जो मैंने पेन में डाल के रखा था वो इकट्ठा होने लग गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है ना एकदम यमी यमी। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसके लड्डू भी बांध सकते हैं आप। अब ये मेरा हो गया है अच्छे से तैयार। अब इसको मैं शिफ्ट करूँगी एक प्लेट में। एक प्लेट में मैंने अच्छे से घी लगा लिया है। आप कोई सी भी प्लेट में अच्छे से घी लगा लें और फिर उसके बाद इसको शिफ्ट कर लें। अब इसको मैं अच्छे से फैलाऊँगी ताकि ये हमें बर्फ़ी के शेप में कट करने में कोई दिक्कत ना आए। इसको अच्छा पतला पतला फैला लेंगे। ये देखिए मैंने पहले पूरा निकाल लिया है। ये जो स्पैचुला में लगा हुआ था उसको मैंने चम्मच से निकाल के अब इसको अच्छे से स्पैचुला से ही धीरे 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 फैलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूरा अच्छे से फैल गया है। अब मैंने ना थोड़े से बादाम और पिस्ता को बारीक बारीक कट करके रखा था गार्निशिंग के लिए। ये मैं हल्का हल्का इस पर लगा दूँगी और इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने छोड़ देंगे। ये देखिए अब ये आधे घंटा हो गया है। इसके बाद अब मैं इसके डायमंड शेप में पीसेस बना लूँगी। ये देख, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हो। स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, आपको जो शेप अच्छा लगे आप उसका वैसा बना सकते हैं। पर क्या है, हम बर्फ़ी के बहुत सारे वैसे पीस खाते हैं ना, स्क्वायर वाले, रेक्टेंगल वाले, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस बार डायमंड शेप भी कट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फ़ी पाक बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लाइक, कमेंट, डिसलाइक, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। जय जिनेन।